अब इरफानुल्लाह खान साहब जिनको मैं दावत शुक्र दे रहा हूँ, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए जनाब इरफानुल्लाह खान साहब। मेरा रिश्ता सतपाल मलिक साहब से स्टूडेंट लाइफ से है, जब मैं तालिब इल्म था, छात्र था, तकरीबन 45 साल हो गए हैं। अगर आज उन्होंने बिगुल बजाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई के साथ इस मुल्क में भाईचारा कायम होगा, वो क़यादत करेंगे इस मुल्क को। ऐसी स्टेजेस आई है जब क़यादत की जरूरत पड़ी है, तभी गांधी जी ने क़यादत की है, मौलाना आजाद ने क़यादत की है, इस राम मनोहर लोहिया जी ने क़यादत की है, तो हालात बदले हैं। जो भाईचारे की क़यादत है उसका नाम सतपाल मलिक है, और ये पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करेंगे, पैगंबर बनेंगे शांति के, दूध बनेंगे शांति के, और उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता, बस एक संकल्प पत्र है, क्योंकि जब एक सम्मेलन होता है उसका निचोड़ सामने आना चाहिए। दिल्ली स्टेट पार्टीशन कमेटी ने बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है, आप सब आए हैं, आप सब ने सजाया है, ये पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। तो वो संकल्प पत्र मैं बस पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। सम्मेलन उन सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार संगठनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करता है, जिन्होंने मेवात के बिगड़ते हालात को संभाला, अमन कायम करने के लिए भरसक प्रयास किए, और सबसे बढ़कर उन्होंने स्वर्गीय दीन बंधु छोटू राम जी के की को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन हमेशा उन सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार संगठनों और मुख्य रूप से पूर्व